हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर आज हुई सुनवाई के बारे में। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर आज फिर से कोर्ट में सुनवाई देखने के लिए मिलती है, और सुनवाई का जो पूरा वीडियो है वो मैंने लाइव आप सभी को अपने चैनल पर चलाकर दिखा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। लगभग 18 से 19 मिनट का ये वीडियो होगा जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मुद्दे की बात यह है कि आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर हुई सुनवाई में क्या अपडेट देखने के लिए मिली बीएड अभ्यर्थियों के लिए। असल में ये जो मामला लगा हुआ है वो यहाँ पर पहले से जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन थी। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो भर्ती वो चल रही थी और उसी समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस चल रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपकी योग्यता को चैलेंज कर दिया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये कह दिया कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना फाइनल जजमेंट देगी तो इन छात्रों की नियुक्ति इस पर निर्भर करेगी। ऐसा कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश जबलपुर में। तो वहाँ के बीएड अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अधीन थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आ चुका है, उसके बाद से बीटीसी डीलर के वकीलों के माध्यम से मांग की गई कि इन अभ्यर्थियों को अब बाहर कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला बीएड के पक्ष में न देकर बीटीसी के पक्ष में दिया है। तो यहाँ पर जब सुनवाई को लेकर सुनवाई शुरू होती है तभी जजेस के माध्यम से कहा जाता है कि बीएड वर्सेज बीटीसी मामले पर अर्णव घोष के माध्यम से एक क्लेरिफिकेशन याचिका दाखिल की गई है जिसकी सुनवाई इसी महीने 11 दिसंबर 2023 को होने वाली है। तो ऐसे में जजेस कहते हैं कि जब तक इस मामले पर कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता अर्णव घोष की याचिका पर, क्योंकि वो सुनवाई जो है वो उसी बेंच में होने वाली है जिसके माध्यम से अपना फैसला लिखा गया था, जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के माध्यम से। तो यहाँ पे जजेस ये कहते हैं कि जब इस मामले पर सुनवाई होगी उसके बाद ही ये मामला डिसाइड किया जाएगा। यानी कि 11 दिसंबर 2023 को होने वाली सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण होगी अलग अलग भर्तियों के लिए जिसमें बीएड अभ्यर्थियों की योग्यता बीच में रुकी हुई है। अब 11 अगस्त का मामला क्या है वो ये है, उसमें ये पूछा गया है अर्णव घोष के माध्यम से कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनमें क्या करना है, और जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी पहले से चयनित हैं उनके लिए क्या करना है। इसके अलावा 11 अगस्त 2023 के उस जजमेंट को किस तरीके से लागू करना है, इस मुद्दे पर मांग की गई है क्लेरिफिकेशन को लेकर, जिसकी सुनवाई इसी महीने 11 को होगी। और आज होने वाली सुनवाई में बीएड को बाहर करने की जो मांग की गई थी, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उस याचिका पर कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर नहीं करेंगे। यानी कि आज एक उन अभ्यर्थियों के लिए राहत मिली है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या डिसीजन देती है, उसी के आधार पर आज की तारीख में हुई सुनवाई पर अगले दिन आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा। अब आज होने वाली सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया है जनवरी 2024 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।